मचाई तबाही के बाद इसके वेरिएंट डेल्टा, ओमिक्रोन और इबोला जैसे वायरस ने भी कईयों की जान ले ली। दुनिया भर में वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में केरल में एक बार फिर हालात खराब हो रहे हैं। हाल ही में केरल के कोचिकोड में दो लोगों की बुखार से मौत हो गई। दोनों लोगों की अननेचुरल डेथ की वजह निपाह वायरस बताया जा रहा है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि निपाह वायरस जानवरों से इंसान में फैलता है। ये इंसान से इंसान में फैलने वाला जूनोटिक वायरस है। बताया जा रहा है कि निपाह वायरस चमगादड़ से फैल रहा है, इसीलिए हर किसी को सतर्क होने की जरूरत है। आपको बताते हैं कि निपाह वायरस फैलता कैसे है। दरअसल ये वायरस इन्फेक्टेड फल को खाने से जानवर से इंसान में फैलता है। ये इंसान में तेजी से फैलने वाली बीमारी है। निपाह वायरस का इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल सकता है। निपाह वायरस का शिकार होने के बाद शरीर में तरह तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि दिमाग में सूजन, इंसेफेलाइटिस, इस वायरस की चपेट में आने के बाद बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ उल्टियां भी हो सकती हैं। इसके गंभीर लक्षणों में शामिल है पेट में दर्द होना, दौरे पड़ना और कोमा में चले जाना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक निपाह वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 40 से 75% तक रहती है। अभी तक निपाह से बचाव की कोई वैक्सीन या दवा नहीं बन पाई है। निपाह वायरस से राहत चाहिए तो जैसे ही इसके शुरुआती लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत बिना समय गवाए डॉक्टर से सलाह लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि निपाह वायरस के बढ़ते केस को रोकना है तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि लोग इस जानलेवा बीमारी को मामूली न समझ कर एहतियात बरतें, बुखार या मामूली फ्लू समझ कर इसे नजरअंदाज न करें, जितना हो सके सतर्क रहें, संयम बरतें और अगर गलती से भी इस बीमारी की चपेट में आ जाएं, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें, साथ ही इस बीमारी से प्रभावित मरीज से दूरी बनाकर रखें।